और बाहर भी कितना खूबसूरत से सजाया गया है, और ऊपर ये फ्लोर काफी सुंदर है। वैसे महाराज मेरा पहली बार है किसी क्रूज पे, जय श्री राम महाराज, स्वागत है आपका अयोध्या में। और मैं हूँ इस समय, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये क्रूज। जी हाँ, मैं हूँ इस समय नया घाट के पास, एकदम से लता मंगेशकर चौक के बगल जहाँ पे बीड़ा रखा गया है उसी के बगल से नया घाट पे रोड जाता है, उसी के बगल में ये मेरे बगल देख सकते हैं स्ट्रक्चर, कितना मॉडर्न स्ट्रक्चर बना है। ये क्वीन पार्क करके जगह है और इसी के जस्ट बगल में ये क्रूज रखा गया है, आप देख सकते हैं ये क्रूज है अभी यहाँ पे आके रखा गया है। तो मैं इस वीडियो में इस क्रूज का टूर कराऊंगा और बताऊंगा कि ये कब चलेगा, कहाँ से चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो महाराज चलिए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं क्या है नज़ारा। आप देख सकते हैं ये स्टील का एक लगा है चढ़ने वाला, जो कि अभी ये टेम्पररी में है, इसको हटा दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये, वैसे महाराज मेरा पहली बार है किसी क्रूज पे, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना है और इसमें शीशा लगा है, इधर से ऊपर जाने वाला है। चलिए सबसे पहले ऊपर देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी अच्छी बैठने की व्यवस्था है इधर भी, और ये इधर कैप्टन का है सब, और ऊपर ये फ्लोर काफी सुंदर है। तो इस प्रकार का ये ऊपर का नजारा है यहाँ पे, और बगल में आप देख सकते हैं बीड़ा, जस्ट बगल में लता मंगेशकर चौक, और उधर से आप उधर से यहाँ आके फोटो खिंचा सकते हैं। और इधर ये आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा पार्क। आज आप इधर देख सकते हैं सामने की तरफ ये फूल से सजाया गया है और ये अपना प्यारा झंडा तिरंगा, और आप इधर से भी जा सकते हैं मगर अभी सब ये रखा गया है तिरपाल वगैरह, तो उस पे मैं नहीं चढ़ूंगा, आपको बस इधर से साइड से दिखा देता हूँ। और चलिए अब अंदर देखता हूँ अंदर का नजारा कैसा है। ओ महाराज, अंदर आप देख सकते हैं ये केबिन है कैप्टन का, और अंदर ये सीटिंग एरिया है काफी सुंदर, और यहाँ से बैठ के आप व्यू लेंगे जब ये चलने लगेगा, और इधर इमरजेंसी एग्जिट है। तो कुल मिला जुला के बड़ा अच्छा सीन है महाराज अंदर से, इधर LCD भी लगा हुआ है। बस महाराज यही था इस क्रूज में, आप बाहर से देख सकते हैं कैसा, और अंदर से आप देखें कितना खूबसूरत, और बाहर भी कितना खूबसूरत से सजाया गया है। तो बस महाराज इस वीडियो में इतना ही अपडेट, आपको बताता रहूंगा कब चलेगा, कहाँ चलेगा, और क्या इसका किराया होने वाला है, और ये कब, ये अभी बता रहे हैं कि करीब 15 से 20 रोज लग जाएगा चलने में, अभी पानी कम है जिस वजह से अभी इसको नदी में उतारा नहीं जा रहा है। तो जब चालू हो जाएगा मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बताइए मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं,
देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। टूर बनाऊं तो इस वीडियो में मैं इस टूर का